वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज का जो वीडियो काफ़ी कमाल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं रेडमी नोट 11T 5G का रिव्यू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप इसको अमेज़न से परचेस करोगे मेरे लिंक से, जब आपको 15 रुपीज़ का पेटीएम कैशबैक मिलेगा। मैं लिंक अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। अगर आपको और प्रोडक्ट के भी लिंक चाहिए तो मैं अपना होम वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से भी जाके अपने हर प्रोडक्ट पर 50 रुपये पेटीएम कैशबैक पा सकते हो। रेडमी नोट 11T 5G, इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6 nm प्रोसेस बेस है। इसमें आपको वर्चुअल रैम भी देखने को मिलती है। रैम के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं, बॉक्स के अंदर आपको 33 वाट का प्रो फास्ट चार्जर देखने को मिलता है डुअल स्प्लिट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ में। स्क्रीन की बात करूं तो स्क्रीन आपको 16.7 सेंटीमीटर 6.6 डिस्प्ले मिलती है, जो कि 90Hz अडेप्टिव रिफ्रेश रेट पर आता है। स्क्रीन इसका काफ़ी तगड़ा है, जो कि 90Hz अडेप्टिव रिफ्रेश रेट कर देता है फ़ोन को। स्क्रीन की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन देखने को मिलता है, या फ्रंट साइड में आपको लिखा हुआ Redmi Note 11T 5G। ऊपर की साइड में आपको मिलता है स्पीकर और पंच होल कैमरा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बैक साइड में आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है Redmi 5G, जो कि 5G फ़ोन है। ऊपर की साइड में आपको डबल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है विद सेंसर के साथ में। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको मिलता है वॉल्यूम अप डाउन बटन, उसी के नीचे दिया गया है फिंगरप्रिंट अनलॉक पावर ऑन बटन, उसी के साइड लेफ्ट साइड में आपको मिलता है एक सिम ट्रे टूल। सिम ट्रे के बारे में तो बाद में बात करेंगे, मुझे अभी फ़िलहाल पता नहीं है इसमें कौन सा सिम ट्रे देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर के बारे में, इसमें फ़ीचर आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं। रेडिंग मोड मिलता है, सनलाइट मोड मिलता है, इसमें डुअल स्पीकर डुअल माइक भी देखने को मिलते हैं। OS की बात करूँ तो 12.5 इसमें आपको देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, अगर अपडेट आएगा तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। डिवाइस क्वालिटी के बारे में बात करें तो डिवाइस क्वालिटी आपको मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास डुअल ग्राफिक्स शील्ड। ऊपर की साइड इसमें आपको IR ब्लास्टर और नीचे की साइड 3.5 mm ऑडियो जैक टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। प्रिंट के बारे में बात करूँ तो साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर विद डबल टैप शॉर्टकट के साथ देखने को मिलता है। जैसा कि आपको पता ही है, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो कि इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है। रैम बूस्टर की बात करूँ तो आपको इसमें अप टू 3GB एक्सटर्नल 8GB रैम टू 11GB रैम देखने को मिलती है रैम बूस्टर के साथ। इसके UFS की बात करूँ तो 2.2 हाइपर इंजन गेम टेक्नोलॉजी 2.2 के साथ देखने को मिलता है। इसमें आपको B5G रेडी डुअल 5G सिम कनेक्ट करने को मिल जाती है। इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको 5000 mAh की 2-day बैटरी लाइफ देखने को मिलती है 33W प्रो फास्ट चार्जर के साथ में। इसके प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो आपको पावरफुल ऑक्टाकोर CPU देखने को मिलता है बिट 2x A76 कॉन्टेक्स्ट क्लॉक केड अप टू 2.4 GHz, 6x A55 कॉन्टेक्स्ट क्लॉक केड अप टू 2 GHz। इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 6 nm बेस पे चलता है। 20% फास्ट 10W जनरेशन डिलीवरी हाई परफॉर्मेशन एट लोअर पावर कंजप्शन प्रोमिस हाई एंड परफॉर्मेंस। इसमें आपको 5G एक्सपीरियंस अपर सोनिक स्पीड विद डुअल 5G सिम डायमेंसिटी 810 विद इंटेलिजेंट मॉडम के साथ देखने को मिलता है। रैम की बात करूँ तो रैम बूस्टर मेमोरी एक्सपेंसिव अप टू 3GB रैम बूस्टर हेल्प कन्वर्ट एंड 8GB टू 11GB। इसमें आपको 3GB एक्सटर्नल मेमोरी देखने को मिल जाती है, जिसे आप 11GB तक कर सकते हैं। जैसा कि इसका बैटरी है 5000 mAh की 2-day आराम से बैटरी यूज हो जाती है, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है गेमिंग में आप 13 आवर्स तक इसको यूज कर सकते हो, और यूट्यूब वीडियोस प्ले करने के बाद आपको 26.5 आवर्स तक इसको यूज कर सकते हो, और बाकी वोल्टी कॉल की बात करें तो 29.5 आवर्स तक इसको आप यूज कर सकते हो कॉलिंग में। काफी अच्छी बैटरी, आप इसको 2 डेज तक तो आराम से यूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके चार्जर के बारे में, जो कि 33W का आपको प्रो फास्ट चार्जिंग मिलता है, जो कि आपकी 60% में आपकी फुल 100% तक चार्ज कर देगा। जो कि आपका 18W का फास्ट चार्जर आता है, वो 109 मिनट्स में आपका फुल चार्ज करेगा। यह आपका चार्जर इसमें सही मिलता है आपको 33W का प्रो फास्ट चार्जर, जो कि 1 आवर्स में आपको फुल फ़ोन चार्ज करके दे देगा।
बात कर लेते इसके अगले फीचर में, अगले फीचर में डुअल स्प्लिट फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी मिलती है, ये तो मुझे खैर पता नहीं है। विदाउट डुअल स्प्लिट टेक्नोलॉजी, विद डुअल स्प्लिट टेक्नोलॉजी पे आता है, और इसके बारे में मुझे अभी तो फ़िलहाल पता नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्क्रीन के बारे में, जो कि सबसे बड़ा एक मेन इम्पोर्टेंट फीचर है, जो कि आपको स्क्रीन मिलती है फुल HD प्लस डिस्प्ले 6.7 सेंटीमीटर 6.6 क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले के साथ में। इस फ़ोन के हिसाब से काफ़ी बड़ा आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है इस फ़ोन में। इसमें आपको 90 हर्ट्ज अडेप्टिव रिफ्रेश रेट, अडेप्टिव वेड विन 50 GHz, 60 GHz एंड 90 GHz ऑप्टिमाइजेशन बैटरी यूजेस एफिशिएंटली देखने को मिलती है। रीडिंग मोड की बारे में बात करूँ, डिसिग्नेट फॉर आई कम्फर्ट। रीडिंग मोड जब काम आता है, जब आप इसको नाइट में यूज़ कर रहे हो तब आपको है ना रीडिंग मोड ऑन कर देना है, तब आपकी जो इसकी स्क्रीन की लाइट है जो आपके आंखों में नहीं चुभेगी। इस फ़ोन को आप सनलाइट में भी यूज़ कर सकते हो, डिसिग्नेट टू एडजस्ट योर स्क्रीन ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू द सनलाइट। सनलाइट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके टच रिस्पॉन्स के बारे में। टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी बेहतर है, जो कि आपको मिलता है 10 to 14 GHz टच रिस्पॉन्स रेट इसका सही है, ताकि आप जब गेम खेलोगे आपको एकदम स्मूथ फील होगा। ये हैं इसके कुछ पिक्चर क्वालिटी, जैसा कि आप देख पा रहे हो कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कैमरे की अगर बात करूँ तो आपको 50 MP AI कैमरा देखने को मिलता है, और एक आपको 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। फिंगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 16 MP सेल्फी कैमरा पंच होल के साथ देखने को मिलता है। इस फोन में आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक्वेरियम ब्लू, स्टैंडर्स वाइट, मैट ब्लैक कलर। ये तीनों कलर आपको अमेज़ॉन पर देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके फ़ोन डिज़ाइन के बारे में। न्यू डिज़ाइन फिलोसफी एमरजेट दैट हैड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स मेकिंग लार्जेस्ट इम्पैक्ट। OS की बात करूँ तो इसमें आपको बॉक्स के अंदर MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। UI लॉन्गर बैटरी लाइफ देखने को मिलता है एंड्रॉयड अपडेट के साथ में। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज में। स्टोरेज में आपको UFS 2.2 स्टोरेज 100% फास्टर 10 UFSI 2.1 के साथ देखने को मिलता है। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 8 GB और 6 GB। इसके 6 GB रैम के साथ में आपको 64 GB का स्टोरेज भी देखने को मिलता है, 8 GB के साथ आपको 128 GB देखने को मिलता है। इसके प्रोटेक्शन की बात करूँ तो क्वालिटी में आपको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन IP53 रेटेड के साथ देखने को मिलता है। जो गोरिल्ला ग्लास स्क्रीन जो कि वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करता, उसको हटा देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हैं, बाय करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आपको 50 रुपये का PayTM कैशबैक फ्री मिलेगा। अगर आपको और प्रोडक्टों में कैशबैक चाहिए तो मैं उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप अपने हर प्रोडक्ट पर 50 रुपये PayTM कैशबैक पा सकते हो।